सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको सदरी काट के बताऊंगा। बहुत से लोग इसको बंदी भी बोलते हैं, सदरी भी बोलते हैं, जवाहर कट भी बोलते हैं, जैकेट भी बोलते हैं, तो हर इलाके में इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन चीज़ एक ही होती है। ये दो प्रकार की होती है, एक तो बैक में सेंटर में ज्वाइंट होता है, जोड़ होता है, और एक बिना जोड़ की होती है। जो बिना जोड़ की होती है उसको हम जैसे बुजुर्ग लोग पहनते हैं, थोड़ी सी लूज फिटिंग होती है, और जो जोड़ की होती है जिसमें बैक में सेंटर में जोड़ आता है कोट की तरह, वो थोड़ी सी टाइट फिटिंग होती है जो टीनेजर पहनते हैं। तो मैं आपको दोनों तरह की जो हेयर कट, दोनों तरह की जैकेट आपको काट के बताऊँगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना। बहुत दिनों से डिमांड थी, कोई कह रहा था सर बंदी काट के बताओ, कोई कह रहा था सदरी काट के बताओ, कोई कह रहा था जवाहर कट काट के बताओ। मैं बिल्कुल आसान तरीके से बताऊंगा, दोनों टाइप की बताऊंगा, और बिल्कुल आसान भाषा में, आसान तरीके से। ज़्यादा हिसाब किताब में नहीं बढ़ने दूंगा मैं आपको, बिल्कुल आसान तरीके से, जो आसानी से आपको समझ में आए उसी तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जैकेट की कटिंग शुरू करते हैं। ये मैं सबसे पहले बिना जोड़ की बैक, इस बैक में पीछे जोड़ नहीं आएगा, तो पहले मैं ये बैक काट देता हूँ, उसके बाद सामना काटूंगा। तो ये यहाँ से एक सवा इंच छोड़ के, एक इंच या सवा इंच छोड़ के एक निशान लगाइए लंबाई का। और लंबाई है इसकी, इसका नाप मेजरमेंट लिख लेते हैं पहले। लंबाई 27.5, 27.5 लंबाई, 40 छाती, 36 पेट, 18 तीरा, इस साइज में हम ये जैकेट काटेंगे। अब लंबाई 27.5 है, तो ये 27.5 लंबाई हम, ये 27.5 लंबाई हम पूरी लेंगे, और ये करीब 1.5 इंच का दामन में दबाओ। अब 40 छाती है इसकी, तो इसका हम पूरा 1/4 लेंगे, मुड्डा इसका हम पूरा 1/4 लेंगे। 10 × 40, 10 इंच, ये हो गया हमारा। और इसका पेट का जो निशान है वो ये समझो, ये 17.5 है, 17.5, इसका हाफ कितना हुआ, 9.25, और 2 इंच ऊपर 11.5, ये हमारा पेट का निशान होता है। पेट का निशान वही उसी हिसाब से लगता है जिस हिसाब से सफारी का लगता है, उसी हिसाब से हमने ये पेट का निशान लगाया। इसका मुड्ढे के निशान से लंबाई के निशान का सेंटर करके 2 इंच ऊपर, ये हमारा पेट का निशान होता है। अब गला है इसका, गला हम लिखेंगे 16 इंच, 16 इंच गला है, तो ये इसका 5/5 हिस्सा 16 का कितना हुआ, करीब 3/4 इंच, ये 3/4 इंच हम लेंगे, और ये 1 इंच ऊपर, ये 1 इंच ऊपर, ये हमारी टीक होगी। ये बैक यहाँ से हम 1 इंच उठाएंगे, यहाँ से हम, ये हम इससे, इस निशान से हल्का सा नीचे भी ले सकते हैं, ये हमारी टीक होगी। अब तीरा है, तीरा है इसका 18 इंच, तो इसमें 18 और एक 19, जैसे हम सफारी में या दूसरी चीज़ों में, शर्ट में, कुर्ते में दबाव देते हैं, वो इसमें हम दबाव नहीं देंगे, हम जितना तीरा है उतना ही रखेंगे। यानी 18 इंच तीरा है, तो ये 18 इंच ही रखेंगे, ये 9 इंच, ये 9 इंच का हमारा, और ये 1 इंच इस निशान से 1 इंच डाउन। अब ये 2 इंच डाउन हो गया है, 1 इंच तो ये हमारा इस निशान से डाउन हो गया, और 1 इंच हमारा ये टीक उठा हुआ है, कंधा उठा हुआ है। अब इससे हमने ये निशान लगाना है,
ये देखिए ये निशान, अब ये 2 इंच डाउन आ गया, 1 इंच तो ये है और 1 इंच ये है, ये 2 इंच हमने इसकी कंधी डाउन की है, ये 9 इंच पे, ये हम पूरे 9 इंच पे निशान लगाएंगे, दबाव इसमें देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब ये 18 तीरा है तो इसकी क्रॉस बैक कितनी हुई, क्रॉस बैक हमेशा 2 इंच कम होती है, जैकेट के अंदर क्रॉस बैक हमेशा 2 इंच कम होती है, तीरा 18 है तो ये क्रॉस बैक हमारी 16 आ गई, ये 8 इंच हमारी ये क्रॉस बैक आ गई। अब इसको ये हमारी क्रॉस बैक हो गई। अब हमने हमारी छाती है 40, हम पूरा 10 इंच लेंगे, ये पूरा 10 इंच लेंगे और 1 इंच का दबाव, ये 1 इंच का दबाव हम सामने में लेंगे और 1 इंच का बैक के अंदर भी लेंगे। अब ये पूरा हमने 1/4 रखा है छाती का 1/4, अब ये पेट का है 9 × 36, ये पेट का 1/4 और 1 इंच का एक्स्ट्रा दबाव, ये 1 इंच का दबाव लूज टाइट करने के लिए। अब इसका जैसे 40 छाती है तो इसकी 40 हिप उतना ही हम जितना हमने यहाँ से लिया है, ये 10 इंच, ये समझो 10 इंच और 1 इंच का ये दबाव। यह जो कम सेफ्टी है उसको हम ऐसे भी लगा सकते हैं, वही सेम आएगा, ऐसे भी लगा सकते हैं, ये कम सेफ वाली, ये हमारी बैक होगी और ये हमारा, ये हमारी बैक होगी। अब हम इसको काट सकते हैं बिना ज्वाइंट की होगी। अब बैक चाहे ज्वाइंट की हो, जोड़ हो या बिना जोड़ की हो, सामना दोनों का एक ही तरह कटेगा। तो ये बिना जोड़ की मैंने आपको निशान लगा के दिखाया, अब मैं आपको जोड़ का निशान लगा के दिखाता हूँ। इधर से मैं आपको जोड़ का निशान लगा के दिखाता हूँ। ये उसी तरह 1.25 इंच का आप यहां से दबाव छोड़ दीजिए, ऊपर लंबाई है इसकी 28.5 लंबाई है, 40 छाती 36 पेट, उसी हिसाब से मैं आपको ये जोड़ वाली के निशान लगा के बताता हूं। अब लंबाई है 27.5, पूरी 27.5 रखेंगे, ये पूरी 27.5 रखेंगे और हम सामने का, क्योंकि ये यहाँ से दबके 27 इंच आ जाएगी, सामने को हम 1/2 इंच दबाव जो होता है वो अलग काटेंगे, तो सामने में और बैक में 1/2 इंच का डिफरेंस अपने आप आ जाएगा। अब ये 27.5 पूरा मुड्डा रखेंगे 10 इंच का और ये 29.5 2 इंच का नीचे दामन में और ये 17.5 9.5 हाफ हो गया इसका और 2 इंच ऊपर 11.5, ये पेट का निशान हो गया। अब ये निशान पहले लगा लेते हैं। अब हम पहले ये निशान लगा लेंगे, जो ज्वाइंट का हमने सेफ देनी है वो हम सेफ दे देते हैं। अब सेप देने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सिर्फ 1/2 इंच एक निशान लगाएंगे, ये बिल्कुल सीधा निशान 1/2 इंच का लगा लेंगे। अब यहाँ से 1 इंच की सेप देंगे, यहाँ से भी 1 इंच की सेप देंगे और यहाँ से 1/2 इंच की सेप देंगे, ये 1/2 इंच की सेप देंगे। अब इससे
ये हम यहां से पहले इसको सीधा कर लीजिए स्क्वायर से, ये सीधा हो गया। और अब इससे पट्टी से ये देख अपने आप ये बैठ जाएगी, और ये जो पेट का जो निशान है थोड़ा बाहर निकलेगा उसी शेप में। अगर आप इसको यहां से लेंगे तो भी ये उसी शेप में आपका निकल जाएगा। ये देखिए यहां से थोड़ा सा बाहर निकल गया निशान से, और यहां से इसको इसके इससे ये आप मिला देंगे। ये देखिए अब ये निशान आपका नहीं है, ये निशान सिर्फ हमने इसलिए लगाया था कि हम यहां से बराबर रख सकें। अब ये आ गया यहां से, ये सेफ हो गई हमारी। अब तीरा है इसका 18, 9 × 18, ये हम पूरा 9 इंच लेंगे, क्योंकि इसका तीरा थोड़ा सा छोटा होता है, जो दबाव होता है, जो 18 आया है वो हमारा 18 ही रखेंगे। ये 18 9 इंच हो गया, और इसका गला है 3.25 इंच यानी 16 इंच। अब 1 इंच यहाँ से ऊपर से उठाएंगे और 1 इंच यहाँ से नीचे लेके आएंगे, ये 2 इंच का हम डाउन करेंगे। ये हमने 2 इंच डाउन कर दिया, और ये हमारी टीक होगी, ये हमारी टीक होगी। अब इसकी क्रॉस बैक तीरा 18 है, तो जैकेट की क्रॉस बैक 2 इंच कम होती है यानी 8 इंच। यहां से हम इस निशान से 8 इंच ये लेंगे, और ये इस शेप पट्टी से इस शेप से इसको हम ये मिला देंगे। अब छाती का 1/4 कितना हो गया, 10 इंच। ये 10 इंच छाती का 1/4 इस निशान से, इससे नहीं, ये जो हमारा सेफ का निशान है यहां से हमने 10 इंच छाती का 1/4 पूरा लिया है, और 1 इंच का ये एक्स्ट्रा दबाव लूज टाइट करने के लिए। अब पेट है इसका 36, ये 9 × 36 1 इंच का मार्जिन, और जितना हमने यहां से लिया है ये हमारा 10 है। यहां से भी हम ये हिप को 10 इंच लेंगे, और 1 इंच का ये लूज टाइट करने का मार्जिन। अब हम इस छोटी पट्टी से ये जो बिना जोड़ की बैक मैंने इससे पहले काट के बताई थी, उसमें हमने इस पट्टी से निशान लगाए थे, और इसमें हम ये इस पट्टी से निशान लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ इतनी शेप नहीं आएगी। ये जो शेप आ गई यहाँ से, उस पर हमने इसलिए लगाई थी कि ये सीधा था, और इसमें ये शेप आ गई, इसलिए हम ये कम शेप की पट्टी से ये निशान लगा रहे हैं। ये हमारी सेफ वाली जोड़ वाली बैक होगी, इससे पहले मैंने आपको बिना जोड़ की बैक काटनी बताई थी। इन दोनों का सामना एक कटेगा, सामना एक जैसा ही होगा। सामने में हम सिर्फ सामने में क्या डिफरेंस करेंगे कि जो ये जोड़ वाली टाइट फिटिंग की होती है इसमें हम लूजिंग कम देंगे, और जो बिना जोड़ की है उसमें हम 1/2 इंच लूजिंग ज़्यादा देंगे। सिर्फ यही फर्क होगा दोनों के सामने में, 1/2 इंच लूजिंग कम ज़्यादा होगी, नहीं तो सामना दोनों का एक जैसा कटेगा। अब इसको आप काट सकते हैं, मैं काट देता हूँ इसको। तो दोस्तों ये था जैकेट की बैक, मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।